नमस्ते, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, एक नई खबर ये चल रही है जो, और खास करके उत्तर प्रदेश से है तो मेरा आपका इंटरेस्ट थोड़ा उसमें ज्यादा भी है जी। कि मायावती जी के बारे में कहा जा रहा है कि एक बार जब आचार संहिता लग जाएगी तो वो इंडिया गठबंधन के साथ आने की काफी संभावना है। उसमें ये आपने जब पहली बार आपने बात भी किया था आपसे संतोष भारती जी ने, तो उन्होंने सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था, लेकिन उसकी बात फिर कई जगह से सोर्सेस से लोगों का कहना यह है कि शायद सोनिया गांधी जी और मायावती जी की बात हुई है जी। और इसमें एक चीज और है कि कहीं से जो मुझे लगता है कि एक इनडायरेक्टली अखिलेश यादव ने भी, इसके अखिलेश यादव के यहां से भी कोई उल्टी प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो कुछ तो खिचड़ी पक रही है जी। तो पहले तो मैं आपसे समझूं कि ये खिचड़ी सुस्वाद होने वाली है, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन में मायावती जी आ जाती है तो फिर मुझे लगता है कि यहां से तो बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल उत्तर प्रदेश खड़ी कर देगा, बाकी सारे राज्य एक तरफ, उत्तर प्रदेश एक तरफ हो जाएगा। देखिए, ये मसला केवल मायावती के इंडिया गठबंधन में आने का नहीं है, जहां तक इस खबर का सवाल है, जो कि पिछले हफ्ते जब मैं लाउड अभय दुबे शो में संतोष भारती से अपनी साप्ताहिक चर्चा कर रहा था। देखिए, संतोष जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, खुद सांसद भी रह चुके हैं फरकाबाद से विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने में, और उनकी राजनीति की गहरी समझ है और राजनीतिक शक्तियों के संतुलन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और देश और समाज की उन्हें बड़ी गहरी चिंता है। कम से कम मैं उनके साथ जो एक डेढ़ साल से लगातार बातचीत कर रहा हूं, उससे मेरे ऊपर ये प्रभाव पड़ा है। वैसे व्यक्तिगत रूप से तो हम उन्हें मुद्दतों से जानते हैं, वो अलग बात है। तो मुझे क्या लगता है कि ये मसला केवल ये नहीं है कि उनका अखिलेश और कांग्रेस के साथ में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ में मायावती का कोई गठजोड़ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये दरअसल अगर होगा तो एक पैकेज डील के तौर पर होगा। संतोष जी से मेरी बातचीत हुई, उसमें मेरी ये समझ में आया, वो पैकेज डील ये होगी कि वो उत्तर प्रदेश में मुख्य तौर पर और सारे देश में भी आमतौर पर गठजोड़ भी करेंगी, और साथ में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रीय मंच पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम प्रस्तावित होगा। और जैसे ही उनका नाम प्रस्तावित होगा, वैसे ही वो नरेंद्र मोदी का विकल्प बन जाएंगी। उस विकल्प को कितने लोग स्वीकार करेंगे, कितने लोग उस विकल्प के आधार पर वोट करेंगे, ये एक अलग बात है, लेकिन ये पिछले 10 साल की राजनीति में एक बिल्कुल नई घटना होगी। नई घटना इस अर्थ में है कि न 2014 में नरेंद्र मोदी का कोई ऐसा कोई विकल्प था, और 2019 तक आते आते तो टीना फैक्टर तैयार हो गया था, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ नरेंद्र मोदी, ये फैक्टर तैयार हो गया था। तो जो भाजपा विरोधी वोट होता है, यानी जो एक तो तीन तरह के वोटरों को आप मानिए, एक तो वो वोट जो कि भाजपा के विरोध में वोट देता है, वो तो हर हालत में उसमें वोट देना ही देना है कोई भी परिस्थिति हो। दूसरा वोटर वो होता है जो कि भाजपा से खुश नहीं है और वो चाहता है कि उसे कोई विकल्प प्राप्त हो, जो विकल्प नहीं मिलता तो या तो घर बैठा रहता है या नोटा कर देता है या भाजपा के पक्ष में वोट दे आता है, आखिर तक इंतजार करता है कि भाई क्या किया जाए। अच्छा, ऐसा बीच का वोटर जो है ना, फिर एक बीच का वोटर होता है जिसमें भाजपा के प्रति हमदर्दी भी है और भाजपा की प्रति आलोचना भाव भी रखता है, लेकिन अनिर्णय का शिकार है। उस वोटर के सामने भी कोई विकल्प नहीं होता तो वो अंततः सारा का सारा भाजपा को वोट दे देता है। मैं तो ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार अगर इस बीच के वोटर ने अखिलेश को चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई होती 2022 के चुनाव में। तो यहां पे क्या है कि जैसे ही मायावती कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक, ऐसी तमाम पार्टियों द्वारा राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर बहन जी को पेश किया जाएगा, वैसे ही नरेंद्र मोदी का एक विकल्प तैयार हो जाएगा जो कि एक विचारणीय विकल्प होगा। मेरी बातों पर ध्यान देना जरूरत है, मैं बहुत सतर्क रूप से बात कर रहा हूं। वो एक ऐसा विचार होगा जिसके ऊपर सभी मतदाता, चाहे वो भाजपा के समर्थक हों, विरोधी हों या अनिर्णय के शिकार हों, वो उस पर विचार करना शुरू करेंगे, और ये घटना पहली घटना होगी पिछले 10 साल की राजनीति। उनमें हो सकता है बहुत से लोग ये निर्णय करेंगे हम तो नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे, हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कहेंगे नहीं, हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ, हमारे पास एक दूसरा विकल्प है, हम इसको अजमाएंगे। अभी तक तो स्थिति यह है कि किस लोगों के पास अजमाने के लिए ही कोई नहीं है। देखिए, होता क्या है कि भारत के मतदाता हैं वो काफी राजनीति करते हैं, काफी पॉलिटिसाइज हैं, लेकिन
हमारे आपकी तरह वो एक पेशेवर राजनीतिक टिप्पणीकार के तौर पर नहीं है, तो उनको हमेशा सुविधा होती है एक व्यक्ति के अंदर अपने राजनीतिक विकल्प को ढूंढना। पार्टी के अंदर ढूंढना उनके लिए ज्यादा कठिन है अपेक्षाकृत, एक गठजोड़ के रूप में विकल्प को ढूंढना और भी कठिन है उन्हें अपेक्षाकृत। इसीलिए एक व्यक्ति के रूप में, जब वैकल्पिक राजनीति व्यक्ति एक वैकल्पिक राजनीति का नुमाइंदा बनकर सामने आता है तो उनको आसानी होती है। तो मैं ये कह रहा हूं जैसे ही मायावती को पेश किया जाएगा, मुझे नहीं पता पेश किया जाएगा नहीं किया जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्हें पेश कर दिया जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर उन्हें पेश किया जाता है, और मेरा अगर बहुत बड़ा है, मैंने संतोष जी से भी कहा था, इस अगर को मैं रेखांकित करके रख रहा हूं, वैसे ही गेम चेंजर साबित होगी वो घटना, और मतदाता एक की बजाय दो चेहरों की ऊपर सोचना शुरू करेंगे। किस निर्णय पर पहुंचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सोचना शुरू करेंगे, नया नैरेटिव तैयार होगा, और विपक्ष का जो सोशल ब्लॉक है उसमें उत्तर प्रदेश से लेकर सारे देश में जो दलित समाज है वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा उत्साहपूर्वक जुड़ेगा। एक किसी भी कोई भी दलित जब वोट डालने के लिए जाएगा पूरे देश में, चाहे तमिलनाडु का दलित हो, चाहे आंध्र प्रदेश का, चाहे माला हो, माडगा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का जाटा हो, या पासी हो, बिहार के पासवान हो, कोई भी हो, वो मुसर हो, एक बार जरूर सोचेगा कि एक दलित की बेटी, एक प्रतिष्ठित दलित नेता जो है वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है हमारे वोट से। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदू एकता बनाई है और उसमें अच्छी खासी मात्रा में खासतौर से अति दलित जातियां उसमें शामिल हैं, उस एकता वहां भी कुछ जो है उस एकता को का भी जो संख्यात्मक है एक तरीके से होगा, तो ये एक बहुत बड़ी घटना इससे होगी। अच्छा, अब आप सोचिए कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमें नहीं पता हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग इस पर सोच सकते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर मैं मायावती हूं या मायावती का मैं प्रमुख रणनीतिकार हूं या मायावती का कोई सलाहकार हूं, इसकी बात को मायावती हमदर्दी से सोचती हूं, तो मैं तो उन्हें ये राय दूंगा कि आपने 2022 का जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव था वो आपने अकेले लड़ा, आप देख सकती हैं कि आपकी उसमें क्या दुर्गति हुई, आपकी राजनीति का ये वो एक नया पराभव था। उसके बाद में आप अगर लोकसभा का चुनाव भी इसी तरीके से लड़ेंगी तो आपकी राजनीति का जो पराभव होगा उससे आपका दोबारा उभरना नामुमकिन हो जाएगा। अगर आप अपना झंडा दोबारा गाड़ना चाहती हैं तो आपको विपक्ष के साथ में भाजपा विरोधी गठजोड़ में जाना होगा। मैं ये भी समझाऊंगा कि अगर आप किसी वजह से डरी हुई हैं तो भाजपा तो आपको लगातार डराती ही रहेगी, उसका तो कोई अंत नहीं है। जो डरता है उसको लगातार डराया जाता है, जो दबता है उसको लगातार दबाया जाता है। इसने एक बार अपमान बर्दाश्त कर लिया उसको हजार बार अपमान बर्दाश्त करना पड़ता है। एक ही तरीका है इन सब चीजों से निपटने का कि आप निकलकर खड़े हो जाइए। उसके बाद में अगर भाजपा आपके ऊपर हमला करती है, नरेंद्र मोदी की सरकार आप पर हमला करती है, तो आपके पास लड़ने का एक तर्क होगा और आपका साथ देने के लिए दुनिया भर खड़ी होगी आपके साथ में। तो मैं तो उन्हें यह समझाऊंगा कि अगर लोकसभा चुनाव में आपकी वही गति हुई जो विधानसभा चुनाव में हुई थी तो फिर इस पराजय से आप दोबारा नहीं उभर पाएंगी। ये मायावती के लिए अंतिम मौका है, और अगर उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है तो इससे ज्यादा सुनहरा मौका उन्हें कभी नहीं प्राप्त होगा पूरे जीवन में। भले ही हार जाए, जीत जाए तो बल्ले बल्ले है, जीत जाए तो भारतीय लोकतंत्र की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी, और अगर वो पराजित हो गई तब भी एक बार पता लग जाएगा कि भाई विपक्ष के चेहरे को कितना वोट मिलता है, और ऐसे चेहरे को जो कि एक बहुत बड़े दलित बहुत बड़े दमित और उत्पीड़ित समाज का सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित नेता हो सारे देश में, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। अब ये अलग बात है कि होता कि नहीं होता। संतोष जी ने 9 तारीख कही थी, आज ही 9 तारीख है मतलब, तो आज शाम तक पता लग जाएगा। लेकिन अगर आज नहीं भी होता है ये, तब भी हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 अगले एक आध हफ्ता और दे सकते हैं इसको, प्रतीक्षा भी हम लोग कर सकते हैं इसकी। मैं 2-3 चीजें जो मेरे पास इनपुट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूं। एक तो यह है कि उत्तर प्रदेश आज कांग्रेस की एक नई लिस्ट आई, 39 नाम आए, उत्तर प्रदेश का कोई नाम नहीं आया है, जबकि उत्तर प्रदेश में कई नाम तो फाइनल हो चुके हैं। हाँ नहीं, अखिलेश समाजवादी पार्टी भी कोई नाम रिलीज नहीं कर रही, वो भी होल्ड पे रखी हुई है सब नाम। तीसरी चीज, मैं 2-3 चीजें इसलिए बता दूं, जो आपने बात कही कि मायावती जी के अगर रणनीतिकार न भी हो, मायावती जी को ये समझ में आता है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो आज नहीं
सौ साल तक वो उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। उनका प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस इंडिया अलायंस की ही तरफ है, अगर अगर कहीं से भी चांस बन सकता है। आनंद जी एक बात और कहते हैं, मायावती ने भाजपा से समझौता करके मुख्यमंत्री जरूर बनी है, वो तीन बार मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन भाजपा के साथ मिलकर चुनाव कभी नहीं लड़ा उन्होंने, नहीं लड़ा, और ना उनके ऊपर कभी ये आरोप लगाया कि वो भाजपा की मदद कर रही है चुनाव में। अभी उनके दो चुनाव से उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है, ये बहुत घातक है उनके लिए जी। और मैं दो तीन चीजें इसलिए बता दूं कि जो उनकी जनरल इमेज है, देखिए एक जो इमेज है कि भाई लोग पैसा अब सब लोग के, मतलब वो चाहे कांग्रेस के का कोई कैंडिडेट हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, पैसा तो अब कॉमन हो गया। लेकिन दो तीन चीजें उनके पक्ष में जाती, एक तो उनको प्रशासक के रूप में लोग मानते हैं कि भाई नो नॉनसेंस है, प्रशासक के रूप में उनकी बहुत ही ख्याति है, मैं उत्तर प्रदेश के रेफरेंस से कह रहा हूं। दूसरा एक उनका फायदा यह है कि कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक अगर याद करिए, तो वो सोशल जस्टिस के उस फाइन बैलेंस को मैनेज कर लेती हैं, तो वो दलित ब्राह्मण और मुसलमानों को एक छत के नीचे लाने में कैपेबल हैं, मतलब उनकी सदारत पे उनके पीछे चलने में इन तीनों जो सामाजिक वो है इन लोगों को दिक्कत नहीं है। मैं एक बात और बोलूंगा, ये भी दर्शकों को याद रखना चाहिए कि वो अभी भी इस देश के चौथे नंबर की पार्टी है, उनके पास 3.5-4% का वोट, और पिछले 3-4 इलेक्शन से तीसरे नंबर या चौथे नंबर की पार्टी बीएसपी रहती है। और मैं अंतिम बात एक और आपको बता दूं, क्योंकि मैंने भी जब ये बात हुई तो मैंने भी कुछ कुछ कहीं से सोचने को, एक और कहीं गुपचुप कुछ बात चल रही है, और वो लोग कभी वो नेपथ्य में रहते हैं, उनका कभी नाम भी नहीं सुनेंगे। राम गोपाल जी और सतीश मिश्रा जी दिल्ली में बड़ी घनिष्ठ दोस्ती है, बहुत छन रही है, तो ये सब के पीछे एक क्योंकि आज हर एक आदमी के को सर्वाइवल की बात हो रही है। ये अब ये खेल नहीं रह गया है कि हम ये अगला इलेक्शन देख लेंगे, 2024 का इलेक्शन बहुत से लोगों के सर्वाइवल का इलेक्शन, तो शायद ये सारी चीजें इस तरफ इंगित कर रही हैं कि जब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, तो जरूर एकदम से कुछ चीजें बहुत तेज चेंज होंगी, ऐसा माना जा रहा है। अमित जी नहीं, इसमें एक और बात छूट गई, तथ्य छूट गया, संतोष जी ने मुझे जानकारी दी थी, उसमें एक तथ्य यह भी था कि उत्तर प्रदेश में एक तरह से तीनों शक्तियों में सीटों का बंटवारा भी हो गया है, और वो ये है कि मायावती 25 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मान गई है, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, और बाकी सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। तो इस तरह का भी ये भी चक्कर खत्म हो गया है, अगर ये बात ये पैकेज डील आगे बढ़ती है और कारगर साबित होती है, हम लोगों के सामने आती है, सब घोषणा होती है, तो ये सब चीजें भी इन लोगों ने एक तरह से सेटल कर ली हैं। अब ये होगा कि नहीं होगा, ये केवल चड्डू खाने की खबर है, या इसके अंदर बहुत कोई दम है, या केवल हम ही लोग अपने कनकौए उड़ा रहे हैं, तो ये सब चीजें धीरे धीरे करके सामने आएंगी। मैं एक जगह और जरा आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि कल एक बड़ा वो हुआ है, राहुल गांधी ने एकदम से आके नौजवानों के लिए रोजगार गारंटी और कई 4-5 उन्होंने गारंटीज कह लीजिए या घोषणाएं की हैं, और वो मैं आज भी एक कार्यक्रम कर रहा था, अनुपम थे उसमें, हल्ला बोल वाले ये सब लोग थे, तो वो जो युवा गारंटी योजना, युवा न्याय गारंटी वो बोल रहे हैं उसको, वो काफी कुछ, बहुत से लोगों का मानना है कि वो कहीं ना कहीं इलेक्शन का मुद्दा बनने की स्थिति, क्योंकि ये बार बार हो रहा था कि मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या, वो एक बड़ा मुद्दा शायद बन सकता है, इसकी संभावना बहुत से लोग देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि उन्होंने सबको टच किया है, उन्होंने गिग इकॉनमी, वो जो ओला उबर वाले हैं उनको टच किया है, उन्होंने आईटीआई से जो निकल रहे हैं लड़के बच्चे उनको टच किया, उन्होंने सबको टच किया। मैं थोड़ा इस पे एक आपकी, देखिए मेरा, मुझे जो धीरे धीरे करके एक जिसे कहते हैं एहसास सा हो रहा है, वो ये है कि धीरे धीरे कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में बेरोजगारी को लोकसभा चुनाव का केंद्रीय प्रश्न बनाने की तरफ बढ़ रही है। मतलब मुझे लगता है इन सब चीजों से लगभग वो राष्ट्रीय स्तर पर वही करने जा रहे हैं जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने किया था, और तेजस्वी यादव को उसका बड़ा जबरदस्त लाभ मिला था। अब जैसे उन्होंने कहा हम 30 लाख लोगों को सत्ता में आते ही नौकरी देंगे, ये भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इन्होंने कांग्रेस वादा करने जा रही है अगर वो सत्ता में आती है तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देगी, और उसकी जगह जिसको भी फौज में नौकरी मिलेगी फुल कमीशन प्राप्त होगा। तो पुराना वाला सिस्टम, हाँ, बेरोजगारी और सोशल सिक्योरिटी, ओल्ड पेंशन स्कीम, सोशल सिक्योरिटी, ये दो चीजें अगर निकल के आती हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में और कांग्रेस की गारंटियों के साथ में,
और उसके साथ में अगर ये चीज भी जुड़ जाती है मायावती को चेहरा बना के पेश करना वगैरह वगैरह, तो वो बहुत बड़ा गेम चेंजर बनेगा। और मैं समझता हूं कि एक बार अगर देश में बेरोजगारी जैसे प्रश्न के ऊपर, आर्थिक प्रश्न है जो मुख्य तौर पर, रोजी रोटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लोगों के परिवारों की आर्थिक बहबूदी से जुड़ा हुआ सवाल है, अगर एक बार इसके इर्द गिर्द वोट पड़े तो उससे ये जो बहुसंख्यकवादी राजनीति है या मुसलमानों की इस्लाम खतरे वाली राजनीति है, दोनों ही राजनीतियों पर बहुत करारी चपत लगेगी। मैं अबे भाई एक बात और ज्यादा समझू, महाराष्ट्र एकदम से बहुत वोलाटाइल हो गया है, मतलब महाराष्ट्र बहुत गर्म हो गया है, यहां तक गर्म हो गया है कि आज उद्धव ठाकरे ऑफिशियली न्योता दे रहे हैं गडकरी जी को कि आइए और हम आपको वो आइए यहाँ बनिए। हाँ, और केवल यही नहीं कह रहे भाई मराठा ने कभी दिल्ली दरबार के आगे सर नहीं झुकाया, वो इस तरह की बात भी कर रहे हैं, अस्मिता की भी बात कर रहे हैं। अब ये गडकरी जी के लिए तो ज्यादा मुश्किल पैदा कर ही दे रहे हैं उद्धव ठाकरे, चाहे कुछ भी हो, हालांकि देवेंद्र फडणवीस उसको पोछने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र में क्या इनका ठीक हो रहा है मामला, क्योंकि 32 सीट पे अकेले बीजेपी कह रही है हम लड़ेंगे 16 में। इस घटनाक्रम से मेरी वाकफियत है, महाराष्ट्र में और बिहार में भी दो ऐसे प्रांत हैं जहां भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव की रणनीति को आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति के साथ जोड़ के वो हल करना चाहती है। वो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के जरिए ही राजनीति के ऊपर अपना पूरा शिकंजा कर लेना चाहती है, ताकि बाद में ना उसे अजित पवार की एनसीपी की जरूरत पड़े और ना ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना की जरूरत पड़े। ये लोग साथ रहना चाहे ना रहे, उसके पास इतनी ताकत हो जाए कि वो पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव अकेले दम पे लड़ सके और महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर जो हमेशा महाराष्ट्र दिक्कत तक पहुंचाता है भाजपा को, वो खत्म हो जाए। यही काम वो बिहार में करना चाहते हैं। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी का कहना कि भाई उसने 24 सीट जीती थी, अब भारतीय जनता पार्टी 30 सीट क्यों चढ़ना चाहती है, 32 सीट क्यों लड़ना चाहती है, भाजपा एकनाथ शिंदे से और अजित पवार से क्यों कह रही है कि तुम्हारे उम्मीदवार लड़ोगे तो हमारे भाजपा के उम्मीदवार लड़ाओगे, तुम्हारे उम्मीदवारों में हमारे उम्मीदवार भी होंगे। आप बताइए, वो अजित पवार से कह रही है हम आपको 3 या 4 सीटें देंगे, अजित पवार जी की तो इज्जत उतर गई होगी इस प्रस्ताव से। अगर अजित पवार 4 सीटों में मान जाते हैं तो उनकी क्या राजनीति बची, खत्म राजनीति उनकी। जो 4 लोकसभा सीटों पर मान जाएगा, वो विधानसभा की कितनी सीटें मिलेंगी उसको? नहीं, 22 सीट लड़के आए थे पिछली बार, 22 सीट लोकसभा की सीटें लड़के आए थे भाई कांग्रेस के। वो तो संयुक्त एनसीपी थी। मैं ही कह रहा हूं, अगर अजित पवार की एनसीपी 3 या 4 लोकसभा सीटों पर मान जाती है, अमित शाह ने जो उन्हें प्रस्ताव दिया है, अमित शाह तो एक तरह से धमकाने गए थे उन सबको पहले जब उन्होंने यात्रा की, तो मुझे ही लगा कि शायद वो बीच का कोई रास्ता निकालेंगे, इसे भी मनाएंगे उसे भी मनाएंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे। लेकिन वहां जाके उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर डॉन के अंदाज में कहा, तुम्हें इतनी सीटें मिलेंगी, हमें इतनी सीटें मिलेंगी, तुम्हारे कैंडिडेट में हमारे कैंडिडेट इतने होंगे, उसका चुनाव चिन्ह कमल का होगा, ये सब वगैरह, और तुम्हारे लोग तुम अपना आदमी को लड़ाना हो वही दे दो, हम कमल के चुनाव पर लड़ाएंगे उसको। मतलब इस पूरा उन्होंने जो खाका पेश किया, ये है पूरा नक्शा अपने साथ लेके गए थे। आप उसको मानना हो तो मानिए और प्रस्ताव रख के वापस चले जाइए। फिर छगन भुजबल को बाद में उसका खंडन करना पड़ा। तो अमित शाह का रवैया तो ये था, और वो रवैया उन लोगों ने अभी तक की जो खबर मिल रही उसके हिसाब से उसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये बात भी सही है कि वो वहां पर महायुति छोड़ने की स्थिति में ये लोग नहीं है। अमित शाह इसी चीज का लाभ उठाना चाहते हैं कि ये महायुति छोड़ने की स्थिति में नहीं है। मेरा कहना यह है कि महायुति छोड़ने की स्थिति में एकनाथ शिंदे बिल्कुल नहीं है, लेकिन अजित पवार महायुति छोड़ने की स्थिति में है। वो छोड़ सकते हैं अगर वो चाहें तो। अगर उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी अगर और उनको 3 या 4 सीटें दी जाएंगी, तो मुझे लगता है कि वो महायुति छोड़कर दोबारा से अपने चाचा जी के पास वापस आ जाएंगे। और अबे भाई वो बिहार की भी बात कर लें, क्योंकि बिहार में नीतीश जी आखिरी जो मीटिंग थी बेगूसराय या कहां की, वहां पे वो थे नहीं, उनके साथ नहीं गए। फिर वो साइंस सिटी घूमने चले गए हैं, यूरोप साइंस सिटी इस समय देखने गए हैं। फिर चिराग पासवान को इधर से ऑफर दिया जा रहा है कि आ जाओ इधर से, हम 6+2+2 8 सीट दे देंगे 2 यूपी में। वहां पे भी सब कुछ ठीक हो नहीं रहा है, मतलब वहां पे भी बड़े झगड़े हैं एनडीए में। नहीं, वहां पे ठीक हो कैसे सकता है? देखिए, आपने इन्होंने नीतीश कुमार को अपने साथ मिला लिया, उस वक्त इनके दिमाग में
इस तरह की बात हो रही थी कि नीतीश कुमार के साथ एक खास तरह की डील हुई है, इस डील में उन्हें मुख्यमंत्री पद प्राप्त होगा और साथ में उनको कुछ सीटें दी जाएंगी लोकसभा की, उन सीटों पर वो मान जाएंगे, और उसके बाद नीतीश कुमार उनको विधानसभा की सीटों की भी डील हो गई। ये सब पत्रकारों का बताया हुआ मामला था, ये कोई भी चीज सही नहीं साबित हो रही। मुख्यमंत्री पद उनके पास रहा ये तो ठीक ही था, बिना मुख्यमंत्री पद के बिना तो ना वापस जा सकते थे, लेकिन कोई लोकसभा और विधानसभा के लिए कोई उनके साथ डील हुई थी, मुझे लगता है इस प्रकार की जो भी बातें कही जा रही थी वो सब गलत निकली। एक बात ये कही जा रही थी कि उन्होंने उन्हें विधानसभा में 14-15 सीटें दे दी जाएंगी, लोकसभा में 14-15 सीटें दे दी जाएंगी और विधानसभा में और भी कम सीटें दी जाएंगी, भाजपा और भी ज्यादा सीटों में लड़ेगी। लेकिन अभी तक की खबर यह है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम 16 से कम पर नहीं मानेंगे किसी भी कीमत पर। तो अगर 16 नीतीश कुमार के पास होंगी, भाजपा के पास पहले से 17 एमपी हैं, 17 ये हो गए तो आप देख लीजिए 33 तो हो गए, अब बाकी बची 7 सीटें। अब 7 सीटों में इन्हें माझी को भी संतुष्ट करना है, उनको भी संतुष्ट करना है, उपेंद्र कुशवाहा को भी संतुष्ट करना है, पासवान कुटुंब को भी करना है, पासवान के दोनों गुटों को संतुष्ट करना है, और एक गुट के पास एमपी है, एक गुट के पास वोट है, ऐसा माना जाता है कि 5-8% 7-8% वोट इनके पास है चिराग पासवान के पास, लेकिन पारस ना जो वो पशुपति पारस है उनके पास 5 एमपी है। तो ये स्थिति है, और मुकेश सहनी भी बैठे हुए हैं, उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे दल हैं, नीतीश कुमार के लिए तो पुनर्विचार के रास्ते फिलहाल मुझे बंद लगते हैं, लेकिन जो छोटे दल हैं वो छोटे दल पुनर्विचार कर सकते हैं कि वो एनडीए में बने रहें या न बने रहें। तो इस प्रकार की स्थिति वहां भी पैदा हो सकती है। देखिए अभी कर्नाटक में ऐसी स्थिति पैदा होते दिख नहीं रही है, लेकिन अभी भी कर्नाटक में बहुत मुश्किल है समझौता होना। कोई आप देवगौड़ा को बहुत दबा के नहीं समझौता कर सकते उनके साथ, उन लोगों की जो सेल्फ इमेज है उन लोगों अपनी पार्टी की वो काफी बड़ी है उनकी सेल्फ इमेज, वो जानते हैं कि किस लिए भाजपा ने उनसे समझौता किया है, भाजपा कौन से वोट चाहती है उनसे। मैं एक जगह की गुत्थी मुझे नहीं समझ में आई, और मैंने सोचा था कि कार्यक्रम के अंत की तरफ आपसे ये उड़ीसा की गुत्थी इसलिए नहीं समझ में आई, वहां पे 12 सीटें नवीन पटनायक के साहब के साथ है, 21 सीटें 8 बीजेपी के पास है, 1 कांग्रेस के पास है। विधानसभा में 146 में 107 वो जीते थे नवीन पटनायक साहब, उसमें से 3-4 तोड़ के लेते गए बीजेपी, बीजेपी 23 जीती थी, कुछ 9-10-12 वही जीती थी कांग्रेस। यहां पे कैसे डरा के धमका के क्यों नवीन पटनायक ने इनके साथ समझौता कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं एमपी में आप 12 सीट लड़ लीजिए बीजेपी और हम विधानसभा में भी 100 ही सीट लड़ेंगे, अपने मतलब सीटों को श्रिंक करके उनको कौन सी गरज है वो लड़ना है, जरा इसको आप समझा पाइए तो मैं जरा समझना चाहता हूं क्यों किया है। फिर से एक बार कहिए संक्षेप में जो आपने बात कही थी। अभी मैं फिर से ऐसा है कि उड़ीसा में कुल 21 सीटें हैं, 12 सीट ऑलरेडी नवीन पटनायक के पास है, 8 सीट बीजेपी के पास है, 1 कांग्रेस के पास है, 146 विधानसभा की सीट है, दोनों इलेक्शन एक साथ होते हैं, 107 सीट पे पिछली बार नवीन पटनायक मतलब बीजू पटनायक जीत गया, बीजू जनता दल जीता था, 23 या कितनी सीटें इसकी बीजेपी की थी। अब यहां पे गठबंधन हो रहा है, यहां पे गठबंधन करके ये क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा इनको, क्योंकि वो बीजू जनता दल को कम होंगे, वो कह रहे हैं कि ठीक है बीजेपी ज्यादा लड़ ले सीट लोकसभा की, विधानसभा में भी उनको 100 सीट पे वो लड़ेंगे बीजू जनता दल। तो एक तो इनको फायदा क्या हो रहा है, क्यों इन्होंने किया है डील, दूसरा विपक्ष का जो भी स्पेस हो भले ही बहुत कम स्पेस हो वो बिना बात के कांग्रेस को मिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस तो वहां थी नहीं, वहां तो बीजू जनता दल वर्सेस बीजेपी चल रहा था। देखिए मुझे लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने 8 सीटें वहां पर जीती थी उस वक्त एक खास परिस्थिति थी जिसकी वजह से उन्होंने जिस उड़ीसा की राजनीति की जानकारी रखने वाले इस बात को कहते हैं, इस बार वहां ऐसी स्थिति थी कि भाजपा शायद 3 या 4 सीटें ही जीत सकती थी, वो वहां पर पूरी 8 सीटें दोबारा दोहरा नहीं सकती थी। तो ये बात अगर वो और भाजपा के साथ समस्या ये है कि जहां भी उसकी सीटें कम होंगी रिकवरी के लिए कोई स्पेस तो है नहीं कहीं, तो उनके लिए वो सीटें कम होने से रोकने का सबसे अच्छा था, क्योंकि वहां पे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होने थे, तो उन्होंने इस तरह का समझौता किया है। और बीजू जनता दल को शायद इससे ये फायदा होने वाला है कि उनको विधानसभा में उनकी जो उनका जो प्रभुत्व है
वो सुनिश्चित हो जाएगा इससे। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरी योजना में दिक्कत तलब बात वही है जो आपने कही है कि इससे जो एंटी इनकम्बेंसी का सारा वोट होगा वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि बीजू जनता दल बहुत मुद्दतों से वहां पर हुकूमत कर रहा है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और भाजपा के खिलाफ जो भी एंटी इनकम्बेंसी होगी वो बीजू जनता दल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से मिलकर उससे कांग्रेस को लाभ हो सकता है वहां पर, और इससे कांग्रेस का उभार फिर से हो सकता है वहां पर। इसमें अभय जी ऐसा कहा जा रहा है कि जो पेंडियन साहब हैं वो इसके सूत्रधार, मुख्य सूत्रधार स्टिच कर रहे हैं। मैं अभी ये भी कहने लगे हैं कि अब नरेंद्र मोदी की जब नई सरकार बनेगी उसमें पेंडियन साहब कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन हो सकता है वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि पेंडियन साहब इस समझौते के जरिए पूरी तरह बीजू जनता दल पर कब्जा करना चाहते हैं, कि उन्हें पता है कि नवीन पटनायक की तबीयत बहुत खराब है और कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी से पूरे अपने शिकंजे में ले लेना चाहते हैं बीजू जनता दल को। और एक बात ये भी साथ में चर्चा में है, सब चीजें अनौपचारिक ही कही जाती हैं, कि कहीं ना कहीं पेंडियन की वजह से पेंडियन का हाथ भी कुछ दबा हुआ है कहीं, जिसकी वजह से उनको, जिसकी वजह से उन्होंने इस सब समझौते के सूत्रधार की भूमिका निभाई है। मैं एक चलते चलते अंतिम प्रश्न इसलिए कर लूं क्योंकि वो प्रश्न जरूरी है, मैं अभी भी एक चीज को रिकंसाइल नहीं कर पाया हूं, और वो है जस्टिस गंगोपाध्याय जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज साहब थे, वो सीट पे बैठ के, मतलब अपनी जज की कुर्सी पे बैठ के वो जिस तरह का अनाउंसमेंट किया कि मैं परसों ज्वाइन कर लूंगा, उससे पहले बीजेपी की तरफ से अनाउंसमेंट आ गया था कि 7 तारीख को एक बड़ा बिग शॉट विल ज्वाइन, फिर उन्होंने कहा कि मैं परसों इस्तीफा दूंगा, उसके बाद मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा, मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ूंगा, सब लोग मुझे ऑफर देंगे, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा अभी तक मंजूर हुआ कि नहीं हुआ ये मुझे नहीं जानकारी है, वो अभी भी टेक्निकली अगर इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है तो वो जज है, फिर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं भाजपा के साथ तो मैं 7 दिन पहले से डील हो रही थी, उनके लोग आए हम गए आपस, ये कुछ अजीब भद्दा मजाक नहीं है इस देश के लोकतंत्र, इस देश की न्यायपाल के, मतलब इस व्यवस्था के साथ, क्योंकि ये क्या हो रहा है? बहुत ही भद्दा मजाक है, और इस भद्दे मजाक को न्यायपालिका की एक प्रमुख हस्ती जिसने अपनी ये छवि बनाने की कोशिश की थी कि वो घोटाले के खिलाफ है, स्कैम्स के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक क्रूसेडिंग जिहादी किस्म की भावना के साथ वो न्यायपालिका में काम करते हैं, और दूसरी तरफ जो देश में सरकार चला रहे हैं पिछले 10 साल से और पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना चाहते हैं ममता बनर्जी को हरा के, वो दोनों मिलकर ऐसा करेंगे, इससे उनको लाभ तो होना बहुत दूर की बात है। देखिए इस प्रकार के जब काम होते हैं तो उससे जो आम तौर पर वोटर की ऊपर जो छवि पड़ती है, और खास तौर से उस वोटर के ऊपर जो कि फैंस सिटर है, जो बीच में बैठा हुआ, आजकल फैंस सिटर वोटर बहुत सारे चुनावों का फैसला करता है, आखिर में जिधर झुक जाता है वही चुनाव जीत जाता है, उसके ऊपर बहुत बुरी छवि पड़ती है इसकी, इस बात इसको कोई पसंद नहीं करता। जी जी, क्योंकि उन्होंने 14 CBI इंक्वायरी उन्होंने इंस्टीट्यूट कराई, 4 MLA मतलब 4 मंत्री जेल में है उनकी वजह, ये बहुत बड़ा एक है, और मुझे लगता है कि इस पे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इनका इस्तीफा बिल्कुल मंजूर नहीं करना चाहिए, एक्सप्लेनेशन कॉल करना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, जो मेरी अपनी निजी राय है, अगर न्यायपालिका की छवि को तो बचाना चाहिए इन लोगों को ना। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई बात करने के लिए, और अगले हफ्ते तक तो शायद आचार संहिता भी लग चुकी होगी और सीटों के काफी नाम भी आ चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।